सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, टेलीग्राम का मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें पर्सनल गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। जो ग्रुप का नाम हुआ वो बिगनर टू बैंकर 2022 है, बोलने का मतलब बिगनर टू बैंकर 2022 या 2022। यहाँ पर हम लोग स्टडी, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कोर्सेज, चैप्टर्स, सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, अगर मान लीजिए आप लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को क्या अपनाना चाहिए, किस तरीके से अभी पढ़ाई करना चाहिए, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, मेंस में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो उसमें आप लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को क्या परेशानी आ रहा है, क्या आप लोगों का मेन जो है वो इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और इंटरव्यू वगैरह का भी मैं आप लोगों को वहाँ पर जो भी मतलब बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आप लोगों को वहाँ पर इशू बनता है वो हम लोग वहाँ पर मतलब डिस्कस करते हैं, मैं आप लोगों को पर्सनली सॉल्यूशन देता हूँ। और जैसा पॉसिबल होता है ना, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को जनरली मैसेज से बात करके या रिप्लाई देने से समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब उसका कंटिन्यू है, तो वहाँ पर हम लोग कॉल पे भी बात करते हैं, मैं आपसे कॉल पे भी बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर लें ग्रुप को। आप लोगों को मैं सच बताता हूँ, कोई भी जो डाउट होता है ना, जो मिथ होता है, जितना भी तरह का आप लोगों को अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों के पास आता है या प्रोवाइड किया जाता है, वो सारा का सारा एक्चुअली ये मतलब समझ सकते हैं कि आप लोग मिथ बस्टर ये मेरा ग्रुप है। और स्ट्रेटजी से रिलेटेड या जो भी मतलब प्लानिंग हो गया, प्रिपरेशन हो गया, सबका मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये मेरा ग्रुप। एक्चुअली ग्रुप मैं मेरा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये बनाया मैंने है, बट है ये हमारा, हम लोग सबका, ठीक है ना, या जो भी फ्यूचर बैंकर बैंकर्स हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। ये मेरा टू द पॉइंट स्ट्रेटजी रहने वाला है, बेकार का मैं इसमें कुछ भी फालतू बोलने की कोशिश नहीं करूँगा। फालतू बोलने का मतलब जनरली मेरा वीडियो जो है ना वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चला जाता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग आज टू द पॉइंट और इवन शॉर्ट थोड़ा रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं सच बताता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड अच्छे सोर्सेज का, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सोर्सेज का पता चलेगा। और बस आप लोग देखिए, ठीक है ना। देखिए, अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का क्या टॉपिक्स है, क्या सिलेबस है। लेकिन जो बिगनर है उनके लिए मैं बता दूँ, इंग्लिश में आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है, मतलब जिसे पैसेज कहते हैं, शॉर्ट में इसे आरसी कहा जाता है। आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में क्लास 7th, 6th, 8th, 9th, 10th में भी जानते होंगे कि आप लोगों को पैसेज दिया रहता था, उससे रिलेटेड आप लोगों को 9-10 सवाल देखने को मिलता था जिसका आप लोगों को जवाब देना होता था उस पैसेज को पढ़ के, कि हाँ उस पैसेज में से क्या क्या बन रहा है, क्या उसका समरी निकल रहा है और क्वेश्चन जो भी है वो वहाँ पर किस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए उस पैसेज में से, ठीक है। बस वही है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट बोलने का मतलब एक तरह का ऐसा समझ लेना कि हाँ पैसेज ही रहता है लेकिन वहाँ पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कुछ रहता है, फिलर्स, जिसे आप लोगों को फिल करना होता है, जो गिवन वर्ड्स रहते हैं उससे आप लोगों को फिल करना होता है ताकि वो जो पैसेज है वो कंप्लीट हो जाए अप्रोप्रिएट वर्ड से, ठीक है। मतलब पूरी तरह वो एक मीनिंगफुल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या मीनिंगफुल पैसेज बन जाए, ठीक है। फिलर्स बोलने का मतलब सिंपली आप लोग समझिए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, जिसे हिंदी में कहा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना या रिक्त स्थानों को भरे। सेंटेंस एरर बोलने का मतलब ग्रामेटिकल एरर्स बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर के एरर्स से रिलेटेड जितने भी, जहाँ पर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह का यूज करके या पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह आप लोग जानते होंगे या उसका नॉलेज होगा, उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखना होता है कि हाँ कौन सा क्या सही है, कौन सा क्या गलत है, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैराजम्बल्स और सेंटेंस रिअरेंजमेंट्स और वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप बोलने का मतलब होता है ना, एक आप लोगों को सेंटेंस गिवन रहेगा, उसमें आप लोगों को ब्रेकेबल आप लोगों को पार्ट्स में दिया रहेगा कुछ वर्ड्स, जिसे आप लोगों को अरेंज करना है सही ऑर्डर में, सही क्रम में या प्रॉपर सीक्वेंस में, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस उसको बना दे, ठीक है, जो भी सेंटेंस गिवन है। क्योंकि वहाँ पर जो है ना, वो जहाँ पर प्रॉपर वर्ड आना चाहिए वहाँ पर कोई और वर्ड डाला हुआ रहेगा, उसे ही आप लोगों को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, ठीक है। बाकी आप लोग मतलब टीचर्स को फॉलो करेंगे, पढ़ाई करेंगे, स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को पता होगा। और जो पहले से तैयारी करते हुए हैं वो लोग तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब माहिर भी हो चुके होंगे, प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे तो काफ़ी इम्प्रूव भी वो लोग कर चुके होंगे। मैच द कॉलम और इनकरेक्ट और रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि मिस स्पेल्ड वर्ड, जैसे स्पेलिंग वगैरह कोई गलत है उसे आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना है कि हाँ भैया ये स्पेलिंग आपका गलत है, ठीक है। अब उसके अलावा ये तो हो गया सिलेबस, या ये हो गया आपका पोर्शन, या ये हो गया आपका टॉपिक्स, ठीक है, कहाँ से फॉलो करना है। तो इंग्लिश के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए अगर बात किया जाए तो तरुण ग्रोवर सर बहुत ही अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा ये आप लोगों को कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं,
इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स, इनका एक्चुअली कॉन्टेंट जो भी रहता है ना बिल्कुल टॉप नॉच का, बिल्कुल ए ग्रेड का रहता है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इनसे सीखने को मिलेगा। और YouTube पे भी ये पढ़ाते हैं, YouTube पे इन्होंने ऑलरेडी पूरा का पूरा जो ग्रामर हो गया ना 500 स्पीच सारा का सारा विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन्होंने ऑलरेडी मतलब अपलोड कर दिया है, बोलने का मतलब सारा का सारा ये कंप्लीट करके रखे हुए हैं YouTube पे। आप लोगों को इनका जो भी प्लेलिस्ट है ना, ये जो भी इनका इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी अपने ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया है, फिर से मैं उसे रिपोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को फिर से कम प्लेलिस्ट है इजीली अवेलेबल हो जाए और आप लोग उसे एक्सेस कर सकें। ठीक है, आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं, मैं सच बताता हूँ काफ़ी अच्छे टीचर हैं। उसके अलावा होता क्या है ना कि मान लीजिए कभी किसी एक टीचर से आप लोगों का बॉन्डिंग या तालमेल नहीं बैठ रहा है या एक तरह का जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो दूसरे टीचर के बारे में अगर बात किया जाए तो निमिषा मैम है, काफ़ी अच्छा इंग्लिश पढ़ाती हैं, ठीक है, बैंक एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा इंग्लिश पढ़ाती हैं। इनका निमिषा बंसल नाम से यूट्यूब चैनल है जिसका भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और इनका भी जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस वगैरह है इन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पे तरुण सर की तरह ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस एंड इवन कुछ कॉन्सेप्चुअल सेशंस भी करवा रखे हैं, उनका मैं आप लोगों को लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब उसके अलावा इंग्लिश में आप लोगों को सेक्शन टेस्ट का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज इंग्लिश जो है ना कभी भी सिर्फ किसी टीचर को फॉलो करके आप लोग पूरी तरह सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा नीड होता है, बिकॉज इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज है जिसे आप लोग जितना ही ज़्यादा बोलेंगे, जितना ही ज़्यादा आप लोग मतलब अपने लाइफ में इस्तेमाल करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा, समझ में आएगा, उससे आप लोग यूज टू होंगे, आप लोग उसके मतलब हैबिचुअल होंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है ना, रीडिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग। द हिंदू का जो एडिटोरियल का सेक्शन है उस पर आप लोगों को मूव करना चाहिए। ठीक है, एडिटोरियल जो होता है ना उसे आप लोगों को खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से आप लोगों को अंडरस्टैंड करने का अपना जो शक्ति है, जो भी आप लोगों का मेंटल स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे आप लोगों को इंग्लिश में तभी इम्प्रूव होगा, तभी आप लोगों का स्ट्रांग होगा जब आप लोग रीडिंग करेंगे। जब तक आप लोग खुद से रीडिंग नहीं करेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों को फायदा टीचर को फॉलो करने के बावजूद नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश जो है ना मोस्टली डिपेंड करता है आपके रीडिंग स्किल्स पे, रीडिंग का जो भी आप लोगों का नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, किस तरीके से आप किसे देख रहे हैं, आप लोगों का थीम वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक बात मैं इसमें और एड ऑन करना चाहूँगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश का एडिटोरियल का वीडियोज़ वगैरह करवाते हैं। ठीक है, वो आपको स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद लगेगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आप लोगों को लगेगा कि चलो यार जब इंग्लिश का एडिटोरियल आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में मिल ही रहा है, टीचर करवा ही रहा है, तो खुद से क्यों मेहनत किया जाए। तो मैं सच बता रहा हूँ, जब जिस चीज़ को टीचर करवा रहा है ना तो फायदा भी उसी को होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा जब टीचर को देखने के बाद आप लोग खुद पे उसे फॉलो करने का, इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे। ठीक है ना, टीचर अगर आप लोगों को एडिटोरियल वीडियो के फॉर्म में दे रहा है ना तो उससे टीचर का एक्चुअली ज़्यादा फायदा हो रहा है और टीचर के एक्चुअली जो वीडियोज़ वगैरह में व्यूज़ है ना वो मतलब बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट का जो समझने का शक्ति है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग स्किल है ना, वो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, ये फैक्चुअल बिल्कुल मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है ना, अब उसके अलावा आप लोगों को जितना भी प्लेलिस्ट है वो मैंने बोला मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके अलावा आप लोगों को डेली बेसिस पे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आरसी का डेली एक सेट आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्लोज टेस्ट का आप लोगों को एक सेट प्रैक्टिस करना चाहिए और पैरा जंबल्स का एक सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, एरर बेस्ड क्वेश्चंस के आप लोगों को 20 या 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आप लोगों का ओवरऑल जो मिक्स प्रैक्टिस है वो होता रहे इंग्लिश का। ठीक है, लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग में ही नहीं करना चाहिए, सबसे पहले अगर आप लोग बिगनर है, फ्रेशर है, तो सबसे पहले 10 से 12 दिन 15 दिन आप लोग कोशिश करें कि चीज़ों को देखें, समझें, कुछ कंप्लीट करने का कोशिश करें, तब जाके आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, बिकॉज जब आप लोगों को कुछ आएगा ही नहीं सही से तो प्रैक्टिस आप लोग किस चीज़ का करेंगे, किस टॉपिक का करेंगे, है ना, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को लगाएंगे, कैसे आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भैया क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और आप लोग उसे क्या आंसर देंगे। ठीक है, अब यही चीज़ जो है ना, यही जो इंग्लिश का मैंने बात किया आप लोगों को आईपीएससी की प्री में भी हेल्प करेगा, बस आप लोगों को जो लेवल है या जो एग्ज़ाम का जो हम लोग कह सकते हैं कि जो टफनेस है वो हल्का सा वो वहाँ पर डिफर कर जाता है, बोलने का मतलब आईपीएससी की प्री आप लोगों को थोड़ा मॉडरेट टू टफ देखने को मिलेगा एंड एसबीआई क्लर्क जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जितना भी सिलेबस है, जितना ही पोर्शन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, जिसे मैथ्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, जनरली ये मैथ्स ही होता है बट इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। ठीक है, या कम्पिटेटिव एग्जाम में इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है।
इसका जो सिलेबस हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज जो कि दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है ना। ये सब जितना भी आपका है ना, ये आपका कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशंस पे आप लोगों का जितना भी ये सब क्वेश्चन है वो बेस्ड होता है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को टेबल 30 तक का, आप लोगों को टेबल कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को स्क्वायर्स हो गया, क्यूब्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर्स आप लोगों को कम से कम 30 तक का, या अगर मान लीजिए आप लोग 50 तक कर लेंगे तो भैया आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। क्यूब अगर आप लोग 20 तक कर लेंगे तो मोर देन इनफ है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा आपके कैलकुलेशन वाले जितना भी टॉपिक्स हो गया ना या पोर्शन हो गया उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। टेबल प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अब उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिकल इनइक्वालिटी या क्वांटिटी इक्वेशन आता है, ठीक है। आपको क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि अर्थमेटिक बेस्ड ही होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है जिसे शॉर्ट में DI बोला जाता है। टेबुलर होता है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, रडार, केसलेट। केसलेट होता क्या है ना कि आप लोगों को लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम रहता है जिसमें आप लोगों को कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करके या इंटरप्रीट करके कुछ क्वेश्चन के कुछ सवालों के क्वेश्चन के जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब आप लोगों को कह सकते हैं ना कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप ही होता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। अर्थमेटिक जो कि बिल्कुल बेस है, नींव है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या मैथ्स का, ठीक है। इसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी और मीन्स दोनों में बनता है, और परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जितना भी टॉपिक है ना या जितना भी चैप्टर है, सारा का सारा मतलब सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा का सारा जितना भी अर्थमेटिक का टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी के समय में जो एग्जाम है ना काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है। पहले अगर मान लीजिए आप लोग किसी चीज़ को ओमिट कर सकते थे या छोड़ सकते थे तो भी आप लोगों का फायदा हो जाता था, काम हो जाता था, एग्जाम आप लोगों का मतलब सिलेक्शन हो जाता था। बट अभी के समय में है ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मतलब धुआं फिरा के या तो मिक्स करके आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जहाँ पर आप लोगों को मतलब आप लोग फंस जाएंगे अगर मान लीजिए आप लोग सारे टॉपिक को, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे तो, ठीक है। जितना भी इनका बेसिक्स है ना आप लोगों को आना चाहिए, और उसके अलावा बेसिक के क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, उसके अलावा थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस जो कि मेंस वगैरह में देखने को मिलेंगे, आप लोगों को वो बनाने आना चाहिए या कम से कम समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बात रहा कि आप लोगों को इसे कहाँ से फॉलो करना चाहिए। हर्षल सर जो है ये काफ़ी अच्छा क्वांट पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और इनका मतलब आप लोग YouTube पे भी बहुत सारा इन्होंने सेशंस प्रोवाइड कर रखा है, और मेंस के लिए मैंने सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेंस के लिए मैंने एक कंप्लीट ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी बना के आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, वो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पर जो आई बटन रहता है ना वहाँ पर भी उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एंड इवन टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने वो पोस्ट कर दिया है, उसे मैं फिर से इस वीडियो को अपलोड करने के बाद पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पर से उसे एक्सेस कर सकते हैं, आप लोगों के लिए वो मतलब एक कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए वो मतलब रामबाण है, वो जो पूरी पूरा का पूरा मतलब वो जो स्ट्रेटेजी है ना मेंस का, उस मेंस को स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद या उसे देखने के बाद आप लोगों के मन में मेरे ख्याल से बैंक एग्जाम्स के लिए शायद कोई भी सवाल नहीं रहना चाहिए। मैंने उसे बहुत ही डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया है, और मैंने बहुत ही वहाँ पर जो भी सोर्सेज बताए हैं सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जेन्यून है, जो अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो डिमांड करता है बैंक एग्जाम्स ना, वहाँ पर मैंने वो सब डिस्कस किया है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वो मैंने किया है। और उसके अलावा मैंने वहाँ पर आप लोगों को कैसे किस टीचर को फॉलो करके क्या पढ़ना चाहिए सब कुछ बताया है, ठीक है। तो हर्षल सर का जो लर्निंग कैप्सूल चैनल है इनका, ठीक है ना, उसका भी मैं आप लोगों को सब देखिए जितना भी मैं बता रहा हूँ ना सबका मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डाल दूंगा, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने का या खुद से खोजने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो मेरा काम है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हर्षल सर का आप लोग वहाँ पर बहुत सारा YouTube पे सेशंस ऑलरेडी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, एंड इवन करेंट में भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग उसे फॉलो करें, उसे प्रैक्टिस करें, आप लोगों को फायदा होगा, देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप लोग अनअकैडमी पे हैं तो अनअकैडमी पे हर्षल सर जो है ना ये बहुत ही मतलब ये 0 to Infinity करके इनका एक कोर्स है, जिसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल में पूरा का पूरा अर्थमेटिक का जितना भी चैप्टर्स है उसे इन्होंने करवाया है वहाँ पर, ठीक है, कम्प्लीट करवाया है, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यशराज सर भी अपने मतलब इनका खुद का पेड प्लेटफॉर्म है जिसपे ये मतलब पढ़ाते हैं चैप्टर्स वगैरह, इन्होंने अर्थमेटिक का जितना भी है ना वो इन्होंने करवा रखा है वहाँ पर, आप लोग चाहें तो उसे ले सकते हैं। बट करेंट में क्या हुआ ना कि
टीचर्स डे के दिन से ही, मतलब कि 5 सितंबर से इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मतलब एक तरीके का ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसपे कंप्लीट अर्थमेटिक के चैप्टर्स को ये आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही फ्री में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अभी इनका परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज के बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा सबका मतलब ये बहुत ही कंप्लीट एंड इवन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसमें जिस तरीके से बोलने का मतलब इजी लेवल हो गया या बेसिक लेवल हो गया, मॉडरेट हो गया, एडवांस लेवल या हाई लेवल हो गया, सब कुछ उसमें मतलब ये लेके करवाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, मैं सच बताता हूँ, अगर आप लोग इनको फॉलो कर लेंगे, अगर इनसे आप लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे, इनका प्रैक्टिस सेशंस को अटेंड कर लेंगे, उसके बाद इनका और भी इनके टेलीग्राम इनके यूट्यूब चैनल पर ही बहुत सारा इनका प्री बेस्ड जो प्रैक्टिस सेशंस होता है वो अगर मान लीजिए आप लोग फॉलो कर लेंगे, मैं उसका भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और कर लेंगे ना, तो मैं सच बताता हूँ आप लोगों का मैथ्स का जितना भी मतलब जो कॉन्सेप्ट हो गया, फंडामेंटल हो गया, बेसिक हो गया, उसके लिए आप लोगों को कहीं और कुछ भी पेड वगैरह लेने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कि इनका खुद भी आप लोगों को पेड लेने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अब उसके अलावा फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, हर्षल सर को फॉलो करना चाहिए मेंस के लिए, बिकॉज मेंस के लिए ये है ना बहुत ही जबरदस्त टीचर है भाई, बहुत ही जबरदस्त टीचर, इनका मेंस का जो कंटेंट रहता है वो बिल्कुल ए ग्रेड टॉप नॉच का रहता है, उसे आप लोग फॉलो कीजिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट वगैरह को करने के बाद। एंड इवन अगर आप लोग मान लीजिए पहले से करते आए हैं और अगर आप लोग अभी अच्छे टीचर को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, मैं सच बताता हूँ अभी के समय में जो एग्जाम है ना बदल चुका है, पहले जैसा आप लोगों को रेशियो मेथड बेस्ड या कुछ भी मतलब शॉर्टकट वगैरह लगा के एग्जाम क्लियर हो जाता था, क्वेश्चंस बन जाते थे, अभी के समय में वो जो फंडा है ना वो खत्म हो चुका है भैया, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, एग्जाम में भी बदलाव आ रहा है, क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, क्वेश्चन के ट्रेंड में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी बदल जाइए, अगर पहले वाला ही अगर मान लीजिए आप लोग फॉलो करेंगे जिस तरीके से वो मेथड हो गया, शॉर्टकट हो गया, तो आप लोगों को नुकसान होगा। ठीक है ना, अभी के समय में आप लोगों को सही तरीके से सही मेथड को यूज करके एग्जाम में आप लोगों को वो आना चाहिए, उस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, तभी आप लोगों को फायदा होगा, सिलेक्शन होगा, वरना आप लोग भटकते रहेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो देखते रहेंगे एक दूसरे का, किसी न किसी का। ठीक है ना, जब भी कोई एग्जाम वगैरह आएगा और आप लोगों का जो सक्सेस है उससे आप लोग एक कदम हमेशा पीछे ही रहेंगे। अब मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी मैम का भी गाइडली, मीनाक्षी मैम गाइडली में पढ़ाती है, काफी अच्छा मैथ्स पढ़ाती है। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको 3 टीचर के बारे में इसलिए बताया बिकॉज ये टीचर जो है ना काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये लोग बिल्कुल ईमानदार हैं, सिर्फ और सिर्फ ये लोग प्रमोशन या कंटेंट बेचने के चक्कर में नहीं रहते हैं, कम से कम ये लोग आपको वो चीज़ दे देते हैं ना जो कि जनरली मोस्ट टीचर्स लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं आप लोग को यूट्यूब पे। ठीक है, अच्छा कंटेंट, वर्दी कंटेंट, बोलने का मतलब बहुत ही ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट जिससे आप लोग सही कुछ सीख सकें। ठीक है ना, बना टाइम वेस्ट करने के लिए आप लोगों को प्री के सेशंस वगैरह बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि हर एग्जाम के बाद आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेशन, 20 प्रैक्टिस सेशन प्री के लिए, मतलब ये सब आप लोगों के लिए करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मेंस का कोई नहीं पढ़ाता है जल्दी, ये सब मेंस के लिए आप लोगों को पढ़ाते हैं, बिकॉज प्री के लिए तो आप लोग मान लीजिए प्रैक्टिस करके जहाँ तहाँ से भी कुछ कर लीजिएगा, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर कोई, हर बंदा तो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, नहीं ले सकता है ना, उसके लिए ये सब टीचर्स बहुत ही मतलब अच्छे हैं, बहुत ही मतलब हेल्पफुल हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं भाई, बहुत ही सपोर्टिव। मीनाक्षी मैम का खुद का जो गाइडली चैनल है ना, खुद का गाइडली चैनल नहीं है, क्या खुद उस पर पढ़ाती हैं। ठीक है, गाइडली चैनल पर मीनाक्षी मैम पढ़ाती हैं, आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैथ्स पढ़ाती हैं। इन्होंने ऑलरेडी प्री के लिए वहाँ पर 0-2 जनित करके कॉन्सेप्ट का जितना भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हो गए उसका इन्होंने सेशन प्रोवाइड कर दिया है, उसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पे, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, फिर से मैं उसे रिपोस्ट कर दूंगा। उसके अलावा इनका एक बैच भी आता है, अगर आप लोग चाहें तो लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं उसका। ठीक है ना, बैच भी आता है, उसके बारे में भी मैं, रुद्रा विक्रम करके अभी इनका करंट बैच चल रहा है, वो एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी बेहतर है, आप लोग उसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट वैसे तो नीड नहीं है, बट अगर मान लीजिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस लेवल पे हैं, आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोगों को पेड कोर्स लेने का आवश्यकता है, नीड है, तब तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बिकॉज मेरे बोलने से तो नहीं ना हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को सारा का सारा मैथ्स का अर्थमेटिक सब कुछ आ जाए, आप लोगों को पता होगा कि हाँ आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, कैसा आपका पोजीशन है, कैसा लेवल है आपका, तो इनका भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, इन्होंने भी प्री एंड मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस मतलब ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है यूट्यूब पे, अभी भी करंट में वो प्रोवाइड कर रही है, और SBI क्लर्क के लिए भी आप लोगों को, एंड इवन IPS PO प्री के लिए भी, प्री के अगर बात किया जाए तो वहाँ पर आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन करवाने वाली हैं, एंड इवन करवाएंगी, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं ये। ठीक है, और मेंस के लिए भी इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है बहुत सारा सेशंस, सबका मैं लिंक दे दूंगा,
और अभी करंट में भी जो आने वाला मेंस है उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेशंस करवा रही हैं, ठीक है। तो ये था मैथ्स का। मैथ्स में अब उसके अलावा आपको डेली बेसिस पे अगर आप कुछ पढ़ लिए, समझ गए, कुछ सीख लिए, तब उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए, और जिसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे 5 सेट DI का प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DI से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को बनते हैं। फ्री में आप लोगों को हो सकता है SBI क्लर्क की अगर बात की जाए, 2 सेट आप लोगों को DI का देखने को मिल सकता है, और DI में ही केसलेट भी आ गया, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको 2 सेट कोई ग्राफिकल DI देखने को मिल जाए, या आप लोगों को 1 सेट देखने को मिल जाए ग्राफिकल DI, और 1 सेट आप लोगों को देखने को मिल जाए केसलेट, ठीक है। इस तरीके से आपको आ सकता है। 5 सेट अगर आप लोग मिक्स DI का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा, सच बताता हूँ। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, या जो आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया या हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो गया, उस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रैक्टिस मटेरियल मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड कर रखा है। इंग्लिश के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है, वहाँ पर बहुत कुछ है, आप लोग उससे चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को आई थिंक मैंने एक ऐसा बताया था ना जिसमें शायद 700-800 DI वगैरह है, ऐसा भी वहाँ पर मैंने एक PDF सेंड किया था, पोस्ट किया था, आप लोग उससे DI वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा, ताकि आप लोग जो एग्जाम में बैठे हैं ना, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन करने में ना लग जाए, इसके लिए आप लोगों को डेली बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का कम से कम 30 क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। कम से ज़्यादा कितना कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर सीरीज कम से कम आप लोगों को 20 करना चाहिए, जिसमें 10 हो गया आपका मिसिंग वाला और 10 हो गया आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। दोनों मिला के आप लोगों को डेली बेसिस पे कम से कम 20 क्वेश्चन करना चाहिए। उसके अलावा क्वांटिटी के क्वेश्चन आप लोगों को डेली बेसिस पे 10 करना चाहिए, और मिसलेनियस को आप लोग मतलब सबसे पहले टीचर्स को फॉलो करें, उनके प्रैक्टिस सेशन से आप लोग फॉलो करें, बनाने की कोशिश करें, सॉल्व करें, उसके बाद ही आप लोग मतलब मिसलेनियस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे मूव करें, ठीक है। हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। देखिए रीजनिंग का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिलोगिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है आप लोगों को, इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग देखने को मिलता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ये मोस्टली आप लोगों को मेंस में देखने को मिलता है, बट प्री में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कब किस पेपर में किस शिफ्ट में क्या दे दे, ठीक है ना। आप लोगों को पूरी तरह से तैयार होना है कि हाँ भाई हमसे तुम कुछ भी पूछ लो, हम रेडी हैं, हम एग्जाम निकाल लेंगे। आप लोगों को एक ऐसा योद्धा बनना है जो हर लड़ाई के लिए तैयार हो, हर वार के लिए तैयार हो, ठीक है ना। सीरीज में आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलता है अल्फा न्यूमेरिक रहता है, अल्फा बेटा रहता है, या न्यूमेरिक सीरीज रहता है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक में ही आप लोगों को जो है वहाँ पर आप लोगों को सिंबॉलिक भी सीरीज देखने को मिल जाता है। बोलने का मतलब अल्फा न्यूमेरिक में अल्फा प्लस न्यूमेरिक प्लस सिंबॉलिक सीरीज आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और पजल्स ये सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब सेक्शन है रीजनिंग का, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाता है, ठीक है। कभी 15 भी बन सकता है, कभी 20 भी बन सकता है, कभी 25 बन सकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसमें महारत हासिल करना होगा, या तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा तभी काम बनेगा, वरना भैया बिना पजल के रीजनिंग सेक्शन आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, या तो ओवरऑल आप लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं एग्जाम, ये प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। बॉक्स बेस्ड पजल देखने को मिलता है, फ्लोर देखने को मिलता है, फ्लैट वाला देखने को मिलता है, फ्लोर विथ फ्लैट देखने को मिलता है, डेज बेस्ड देखने को मिलता है, मंथ बेस्ड देखने को मिलता है, और ईयर बेस्ड देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का सिटिंग एजेंट बनता है, जो कि पजल का ही एक तरह है, पजल का ही एक प्रकार है, पजल का ही एक टाइप है, ठीक है। मैं जनरली इसे पजल ही बोलता हूँ, जिसमें आप लोगों को सर्कुलर रहता है, लीनियर रहता है, डबल रो रहता है, स्क्वायर बेस्ड रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है, ट्रेंगुलर रहता है, हेक्सागोन रहता है, पेंटागोन रहता है, ठीक है ना। मतलब जितने भी ग्राफिकल फिगर्स हो गए ना, ग्राफिकल फिगर्स बोलने का मतलब जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो गए, वहाँ पर आप लोगों को उस तरीके से ये देखने को मिलता है कि हाँ उस पर आप लोगों को बैठाना होता है, लोगों को खड़ा करना होता है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ गिवन रहेगा, उसे आप लोगों को वो बनाना होगा, वो डायग्राम या तो जो भी वो अरेंजमेंट्स हो गया उसे आप लोगों को बनाना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए किसे फॉलो करना चाहिए, रीजनिंग के लिए सबसे अच्छे जो टीचर हो गए वर्चुअस, इनका YouTube पे मतलब ये क्लासेस लेते हैं, YouTube पे इनका बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी मतलब इनका कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, बोलने का मतलब फंडामेंटल जिसमें रीजनिंग का बेसिक वगैरह कवर हो जाए, उन्होंने करा रखा है। प्रैक्टिस सेशंस ये करवाते रहते हैं हर एक एग्जाम के लिए, और अभी भी करवा रहे हैं, और उसके अलावा मेंस का भी इनका बहुत ही अच्छा इनका कंटेंट वगैरह अवेलेबल है, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर चाहें तो इनका जो है ना, अगर मान लीजिए आप लोग पूरी तरह से बिगनर हैं, और अगर आप लोगों को मन है कि हाँ भैया हम पैसा खर्चा करके ही पढ़ें, कोई पेड कोर्स लेके,
या पेड प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करके, तो इनका कोर्स आया है, आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। जो भी जिसका भी लिंक है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, आप लोगों को सब कुछ उससे आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अंकुश लांबा सर हो गए, अंकुश लांबा भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, रीजनिंग में काफ़ी अच्छे टीचर हैं ये, और इनका बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0 करके चैनल है जिसमें ये पढ़ाते हैं, इनका प्रैक्टिस सेशन वगैरह लेते हैं, एंड इवन कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी ऑलरेडी ये करवा चुके हैं, मेंस वगैरह का भी वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन के अलावा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सब कुछ पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप लोग डायरेक्ट उसे एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा पुनीत सर हो गए, पुनीत सर भी काफ़ी अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, बट मैं पुनीत सर को सबसे ज़्यादा आप लोगों को बोलूँगा कि इनका जो है ना टॉप 10 ट्रेंडिंग पजल्स करके, मतलब डेली बेसिस पे ये 10 पजल्स करवाते हैं, पहले मतलब अभी करवा रहे थे हाल ही में आईपीएस क्लब पी वगैरह के लिए भी, इन्होंने जो सेशंस करवाया है उसके पहले भी ये 10 पजल्स का मतलब सेट करवाते थे डेली बेसिस पे, और आगे भी ये कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। अभी तो फिलहाल इन्होंने 2-3-4 दिन का गैप ले रखा है, पता नहीं क्यों, बट फिर भी ये कंटिन्यू करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड टीचर हैं, अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप लोग इनसे चाहें ना, तो इनसे आप लोग अनअकैडमी पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग इनसे प्रैक्टिस करें, आप लोगों को जितना भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए उसके लिए आप लोग भरचू सर को फॉलो करें, आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा बात रहा, ये हमारा चैनल है, मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग के लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियोज प्रोवाइड करने वाला हूँ, कॉन्सेप्चुअल सेशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोगों को टू द पॉइंट मतलब मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों का प्री का काम हो जाएगा, आईपीएसपी प्री हो, एसबीआई क्लर्क प्री हो, या आगे आने वाले समय में कोई भी प्री हो, ठीक है, उसका आप लोगों का काम हो जाएगा। वो मैं सीरीज मतलब स्टार्ट कर दूंगा और उसका मैं प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना के डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियोज जो है वो एक ही जगह पर आप लोगों को मिल जाए, उसे आप लोग एक्सेस कर सकें, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी मैं प्री के लिए आप लोगों को करवाने वाला हूँ और मेंस के लिए भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर मेरी तरफ से ये मिलने वाला है, और उसके अलावा भी मैंने आप लोगों को जितने भी अच्छे टीचर्स हैं उनके बारे में बताया, आप लोग इन्हें फॉलो करें, ठीक है ना, और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मेरा जो मेन टारगेट रहेगा या मोटिव रहेगा ना रीजनिंग को करवाने का, वो बस ये रहेगा कि कैसे आप लोगों को एग्जाम में रीजनिंग को डील करना चाहिए, रीजनिंग को टैकल करना चाहिए। रीजनिंग में मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो पजल में फंस जाते हैं या कुछ, या मेंस में सबसे ज़्यादा रीजनिंग में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देखने को मिलता है, खासकर जो मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए ना रीजनिंग के मेंस में, या कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस रीजनिंग में आ जाते हैं जिनसे वो लोग मतलब घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हाँ भैया ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें, कैसे इंप्रूव करें, स्किल कैसे डेवलप करें, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं आप लोगों को वो सिखा दूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं रीजनिंग में उस टॉपिक को करवाने वाला हूँ जिसे बहुत सारे टीचर्स, जो भी अच्छे टीचर्स हैं वो भी छूने से डरते हैं, या तो वो करवाते नहीं हैं, बिकॉज वो है ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग उसमें हद से ज़्यादा होना चाहिए। पजल बनाने से वो जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड है या टफ है, ठीक है। पजल उसके सामने ईजी है, कौन सा टॉपिक है वो, क्रिटिकल रीजनिंग, जहाँ पर आप लोगों को कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह के सवाल देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट एंड एजप्शन वगैरह के सवाल देखने को मिलते हैं, इस तरीके से जो भी हो गया ना वहाँ पर हम लोग उसे करने वाले हैं, ठीक है। मैं वहाँ पर आप लोगों को सब कुछ ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा और सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग मुझे फॉलो करें, मेरे साथ बने रहें, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं मॉक टेस्ट आप लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर मान लीजिए आप लोग IPSPO प्री को टारगेट कर रहे हैं ना, और साथ ही में अगर आप लोग SBI क्लर्क प्री भी देने वाले हैं, तब तो आप लोगों को डेली बेसिस पे IPS के लिए, IPSPO प्री के लिए एक मॉक टेस्ट कम से कम देते रहना है, ठीक है। कौन सा मॉक टेस्ट देना है या कौन सा मॉक टेस्ट एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल है, रिलेवेंट है, एग्जाम बेस्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो में बात किया है, बताया है आप लोगों को। उस वीडियो को मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, आप लोग उसे देख सकते हैं। बिकॉज वीडियो को बेकार का लंबा फिर करना सही नहीं है, बट इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, मॉक टेस्ट बिगनर जो है उनके लिए टेक्स्ट बुक, और जो लोग मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं, एंड इवन अगर मान लीजिए आप लोग टेक्स्ट बुक के बाद अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे मॉडरेट होता जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर OB को फॉलो करें। OB बोलने का मतलब ओली बोर्ड, ठीक है, इसे आप लोग फॉलो करें, आप लोगों को बिल्कुल गिल्ट नहीं होगा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप लोगों का पैसा बर्बाद हो गया मॉक टेस्ट लेके। मैं सर बताता हूँ, आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। डेली बेसिस पे एक मॉक दें, ठीक है ना, प्री के लिए आप लोग अगर IPSPO प्री के लिए देंगे ना, तो उसे आप लोगों का SBI क्लर्क का भी काम होता रहेगा, और जब आप लोगों का IPSPO प्री का एग्जाम हो जाएगा,
एसबीआई क्लर्क का आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम जो है वो टारगेट है या शेड्यूल किया गया है अभी के समय में नवंबर में, कोई डेट वगैरह अभी मेंशन नहीं है। तो जब तक नवंबर में आप लोगों का एग्जाम आएगा ना, उसके पहले तो आप लोगों का अक्टूबर में ही आईपीएस पीओपी का एग्जाम जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग शिफ्ट कर जाइएगा या स्विच कर जाइएगा एसबीआई क्लर्क के प्री के टेस्ट पे, ठीक है। और उसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सेक्शनल टेस्ट बहुत ही अच्छा सोर्स है, उसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को टेस्ट वगैरह के साथ में ही मिल जाता है वो, आप लोग उसे प्रैक्टिस करें, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा। सारा टॉपिक वाइज आप लोगों को विद टाइमर एक ही जगह पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस स्ट्रैटेजी का जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट जो है इस स्ट्रैटेजी का, वो क्या है, प्लीज़ स्टडी, प्लीज़ पढ़ लो। बिकॉज जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह देखते रहेंगे, कौन सा टीचर अच्छा है नहीं है, जब आप लोग बस यही सब करते रहेंगे ना, उससे फायदा नहीं होगा भाई। प्लीज़ पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम निकालिए, जॉब लीजिए, वरना भैया सर बताता हूँ जिंदा तो कीड़े मकौड़े भी हैं, ठीक है ना। पढ़ लीजिए, कुछ बन जाइए, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, मतलब वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैंने उल्टा बोल दिया क्योंकि मुझे ये बोलने का आदत ही नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोगों को जो भी पीडीएफ वगैरह मैंने बताया प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे ज्वाइन करें। पर्सनल गाइडेंस ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे ज्वाइन करें। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए रीजनिंग का सेशन लाने वाला हूं, और आरआरबी मेंस के लिए मैं आप लोगों का कंप्यूटर सेशन, जो कंप्यूटर अवेयरनेस मैंने बोला था, वो भी करवाने वाला हूं, ठीक है। मेंस का स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम पर मैं जितना भी मैंने बोला है सब मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बाय।